ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी महान आत्माएं हैं, हमें बाबा ने श्रृंगारा है संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने के लिए। संकल्प कर लें, मैं तो मास्टर दाता हूँ, भाग्य विधाता की संतान, मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है, मुझे बाबा ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है, अपनी शक्तियां दी, पवित्रता प्रदान की, अनेक वरदान दिए। ये सब इसलिए कि हम विश्व का कल्याण कर सकें। हम इस संसार में अवतरित हुए हैं बाबा के साथ, परमधाम से आए हैं। उसने हमें सजा कर भेजा है कि जाओ नीचे, विश्व का कल्याण करो। तो हम अवतार हैं, और जो अवतार होते हैं उन्हें अपने कर्तव्य की स्मृति रहती है। जहाँ उन्हें कार्य करना है, इस कलियुगी संसार के कोई भी वाइब्रेशंस उनको अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सबको देना है, लेना कुछ भी नहीं। वो कहीं से कुछ भी रिसीव नहीं करेंगे, केवल देते रहेंगे। संसार में अशांति है, माया के चारों ओर निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, दुखों के वाइब्रेशंस हैं चारों ओर। लेकिन अवतार इन सभी वाइब्रेशंस के प्रभाव से सदा मुक्त रहेंगे। हम संकल्प कर लें, हमें मुक्त रहना है, क्योंकि हम तो देने के लिए आए हैं, और देंगे वही जो सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे, जिनकी पवित्रता बहुत स्ट्रांग होगी, जो आत्मिक दृष्टि के निरंतर अभ्यास में रहते होंगे। इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यदि हमारी देहिक दृष्टि है तो देह के वाइब्रेशन हमको आते रहेंगे, और यदि हमारी आत्मिक दृष्टि है तो हमारे पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को जाते रहेंगे। हम चारों ओर पावरफुल प्रभा मंडल भी क्रिएट कर दिया करें। रोज सवेरे उठकर 7 बार संकल्प कर लिया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हमारे चारों ओर एक पावरफुल ओरा, एक शक्तिशाली प्रभा मंडल पैदा हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा, और वो हमें हर जगह से सुरक्षित करेगा। दूसरी प्रैक्टिस है, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। 7 बार ये करेंगे तो हमारे चारों ओर प्योरिटी का बहुत श्रेष्ठ ओरा क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों प्रभा मंडल हमें सदा सुरक्षित रखेंगे। सारा दिन आप गंदी दुनिया में रहते हैं, गंदे लोगों के साथ आपका व्यवहार चलता है, अनेक असुरी वृत्ति वाले लोग आपके संपर्क संबंध में आते हैं। लेकिन यदि सारा दिन स्वमान में स्थित रहेंगे और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते रहेंगे, तो हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को जाएंगे, दूसरे के वाइब्रेशन हम पर कदापि नहीं आएंगे। तो हम शक्तियों से संपन्न हैं। दूसरे हमें कुछ बोल दें, हम इतने सेंसिटिव नहीं कि उनके बोल सुनकर हमें बहुत फीलिंग आ जाए, तब तो हम प्रभावित हो गए, उनके वाइब्रेशंस ने हम पर अटैक कर दिया। नहीं, हम बहुत पावरफुल हैं। तो आज संकल्प करेंगे, हमें तो सबको देना है, हम दाता हैं। तो आज प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे और संसार को प्योर वाइब्रेशंस देंगे। मैं परम पवित्र आत्मा, या मैं पवित्रता की देवी और इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूँ। बस
बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं, प्रकृति को जा रहे हैं। रोज अगर हम प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति इस जन्म में भी हमें सब कुछ प्रदान करेगी और विनाश काल में भी हमें कोई कष्ट नहीं देगी। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।